हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल के एंड सी क्रिएटिविटी। फ्रेंड देखिए, आज मैं एक बहुत ही सुंदर और इजी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 12 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 11 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये 8 रो का डिज़ाइन है। देखिए बहुत ही सुंदर और इजी डिज़ाइन है। तो चलो स्टार्ट करती हूँ, कैसे बनता है देखती हूँ। इसके लिए मैंने 12 के मल्टीपल फंदे, 12 फंदे और 11 फंदे एक्स्ट्रा ली हो, तो टोटल 22 फंदे इसमें डाली हो। तो फर्स्ट रो राइट साइड एक स्किप कर लिया, स्लिप कर लिया, चाहे स्किप करे स्लिप करे एक कर लिया। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 फंदे हमने सीधा बीन लिया। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 1, 2, 3 फंदे उल्टा बीन लिया। धागा पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे सीधा और जो एक्स्ट्रा एज इट इज़ को ही सीधा भी लेना है। ये फर्स्ट रो राइट साइड। अब सेकेंड रो रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड हमें ऑलवेज उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करनी है। सेकेंड रो रॉन्ग साइड उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड रो राइट साइड एक स्लिप कर लिया, पहला वाला स्लिप कर लिया, दो फंदे सीधा 1, 2 तो सीधा बुन लिया और दोनों फंदे को आगे की तरफ से एक साथ करके सीधा बुन लेना है। दो फंदे को एक करना है। ये धागा सिलाई के ऊपर से लेकर जाली डालनी है, एक सीधा, फिर दोबारा जाली डालनी है, दो सीधा 1, 2 तो सीधा बीन लिया। अब इन दोनों को राइट नीडल्स में ले आपके बैक साइड से इसको सीधा बीन लेना है। ये देखिए, फिर धागा अपनी तरफ 3 उल्टा 1, 2, 3 धागा पीछे 2 फंदे सीधा 1, 2 यही रिपीट होंगे पूरी रो 1, 2 फिर दोनों फंदे को एक साथ आगे की तरफ से सीधा बीन लेना है। धागा सिलाई के ऊपर से लेकर जाली डालनी है, 1 सीधा, फिर जाली डालनी है, दो फंदे को ऐसे राइट नीडल्स में लेकर पीछे से दोनों को एक कर देना है, दोनों फंदे को, फिर दो फंदे सीधा एज इट इज़ को सीधा बीन लेना है। अब बैक साइड फोर्थ रो उल्टा उल्टा बीन के कंप्लीट करनी। अब फोर्थ रो उल्टा उल्टा बीन के कंप्लीट कर लिया। फिफ्थ रो रॉन्ग राइट साइड 1 स्लिप कर लिया, एक सीधा बीन लिया, 1 फंदे सीधा बीन लिया और दोनों फंदे को आगे की तरफ से सीधा बीन लेना है। जाली डालनी है, 1, 2, 3 फंदे सीधा बीन लिया, एक जाली डालनी है, दो फंदे को एक करना है 1, 2 और पीछे के साइड से सीधा बीन लेना है इसको। फिर 1 फंदे सीधा, धागा अपनी तरफ 1, 2, 3 उल्टा, धागा पीछे 1 सीधा, दो फंदे आगे की तरफ से सीधा बीनना है, फिर जाली डालनी है 1, 2, 3 जाली डालनी है, दो फंदे को इस नीडल में लेके पीछे के सीधा बीन लेना है, फिर 1 सीधा एज इट इज़ को सीधा बीन लेना है। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड उल्टा उल्टा बीन के कंप्लीट करना है। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड उल्टा उल्टा बीन लिया। अभी सेवेंथ रो राइट साइड
वन स्किप कर लिया, वन स्लिप कर लिया पहला वाला, ये जो दो फंदे हैं दोनों को आगे की तरफ से लेकर दो फंदे को एक करना है। अब सिलाई के ऊपर से लेकर जाली डालनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सीधा बुन लिया, ये जाली डालनी है, ये दो फंदे को नीडल्स में लेकर पीछे से इसको सीधा बुन देना है। फिर धागा अपनी तरफ थ्री उल्टा उल्टा टू थ्री उल्टा बुन लिया, धागा पीछे, देखिए इन दोनों फंदे को आगे की तरफ से सीधा बुन लेना है। फिर जाली डालनी है, वन टू थ्री फोर फाइव फंदे सीधा बुनने के बाद फिर जाली डालनी है, दोनों फंदे को बैक साइड से सीधा बुन लेना है, एज इट इज़ को सीधा बुन लेना है। सेवेंथ रो कंप्लीट हो गया। अब एट रो रॉन्ग साइड उल्टा उल्टा, एट रो रॉन्ग साइड उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लिया। आप देखिए डिज़ाइन बन के तैयार हो गया, वन टू एट रो आप इसे रिपीट करेंगे तो आपका डिज़ाइन ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।